जय गुरुदेवा गुरुदेवा पतित पावन गुरुदेवा। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गुरुदेव जय गुरुदेव। श्रीधर लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की श्रील प्रभुपाद की निताई गौर ब्रह्मानंद। श्री गुरु चरणा पद्म केवल भक्ति सदम। वन्दमय सावधानो मते यारो प्रसादे जन्म जन्म प्रभु से तो गुरु महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज की। राधा बापू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कथा किंतु जोर पाच्छी ना। एकादशी दिन, अरे एतो बड़ो महान वैष्णव आमादेर माझखाने एसेन। दुटो हाथ तुले बोलुन जोरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। हरे हरे। हरे राम। हरे राम। राम राम। हरे हरे। श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की। तो हमारे अनेक भाग्यर विषय आज के हमारे माझखाने श्रील प्रभुपादेर अन्यतम शिष्य सन्यासी गुरु एकजन खूब उत्तम भक्त श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज हमारे माझखाने एसेन। हमारे जन खूब सौभाग्यर विषय मेदिनीपुरे यही धरती आज के पवित्र हलो। एत बड़ो संख्या अपनारा सबाई एसेन गुरु महाराज सानिध्य लाभ करून। श्रील गुरु महाराज महाराष्ट्र थेके आरावड़े बोले एक छोटो जायगा सेखान थेके, किंतु उन्हीं छोटो नहीं, उन्हीं बहुत विराट एक जन व्यक्तित्व श्रील प्रभुपादेर। पंडरपुर का नाम लो, पंडरपुर का हो। पंडरपुर जाए, पंडरपुर धाम की। तो पंडरपुर धाम में महाराजेर एक जन एक बहुत बड़ो प्रोजेक्ट आछे। हमरा गत बछर गिएछिलाम। आमादेर लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज इस्कॉने जे पदयात्रा हय, हेटे हेटे पाए हेटे सारा देशे समस्त ग्रामे ग्रामे उन्हीं गिए प्रचार करेछेन। अनेक बछर श्रील प्रभुपादेर आंदोलने अनेक ग्रंथ वितरण करेछेन। विशेष करे कीर्तन, आमादेर जे इस्कॉनेर ऑफिशियल व अनऑफिशियल कीर्तन सम्राट यदि बोली तो श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की। तो आज के हमारे खूब सौभाग्य विषय गुरु महाराज हमारे माझखाने उपस्थित हुए छेन। आगामी कालो थाकबेन। जय निताय गौर प्रेमानंदे। तो महाराज के आमी प्रार्थना करबो महाराज किछु आशीर्वाद वाणी आमादेरके देबेन। आपनारा सबाई अपेक्षा करे आछेन। आपनारा शांतिते एकटु बसे पड़ुन जाते आपनारा पिछने जारा आछे ताराओ देखते पारबे। बसे पड़ुन। हिंदी समझ जाएंगे। हरे कृष्णा। कयजन हिंदी बुझे बोलून? हिंदी सिनेमा कारा कारा देखेछेन? ज्यादा नहीं। हिंदी सिनेमा के देखे नहीं? हिंदी सिनेमा देखें नहीं? क्यों हिंदी गान सुनने नहीं आज पर्यंत? गुरु महाराज यदि हिंदी तो बोलें कारा कारा बुझबे ना? बुझबो ना? बांगला बुझबो ताहले बांगला अनुवाद करा होबे, कोनो चिंता नहीं। हिंदी तो बोलले कयजन बुझबे? पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतविषे नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो युगधर्म पालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बोलो न, हरे कृष्णा। मैं इतना ही बंगाली में कह सकता, बोलो न। हमने तो कई सारे रिसेप्शन स्वागत देखे हैं, लेकिन आज तो आपने ट्रांसलेशन आमी अनेक जायगाते देखेछि किभावे स्वागत करा हय, किन्तु आपने तो आज रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। आज के अपनारा रिकॉर्ड भेंगे दिएछेन निताई गौर प्रेमानंदे। हमने ये भी कई बार सुना कि भक्ति चारू स्वामी महाराज यहाँ आया करते थे और उनका कैसे स्वागत और कितनी बड़ी संख्या में आप यहाँ एकत्रित होते थे। हमने सुना तो था, लेकिन आज मैं विटनेस कर रहा हूँ, हम साक्षी हूँ उन सब बातों का। सचमुच भक्ति चारू महाराज के उनका कितना स्वागत, जब वे स्वयं आते थे कितना स्वागत हुआ करता था। तो हम ये सुने छिलाम आगे जखन श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज एखाने आसतेन तो किभावे मेदिनीपुरे स्वागत होतो आमी आगे सुने छिलाम। एरकम अनेक गल्प अनेक कहानी शुने छिलाम, कथा शुने छिलाम, किन्तु आज के निजे आमी निजे साक्षी आज के देखते आमी बुझते पेरेछि किभावे जखन गुरु महाराज स्वयं एखाने आसतेन तो मेदिनीपुरे भक्तरा किभावे ओनाके स्वागत जानातेन। हरि बोल। मैं तो समझता हूँ कि आपने जो भी स्वागत किया, आपने भक्ति चारू स्वामी महाराज का स्वागत आप कर रहे हो। हरि बोल। आमी भावछी आपनारा जे आमाके स्वागत जानालेन से आसले आमाके नय, से आसल स्वागत अपनी करलेन श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज के। और ये स्वागत मैं स्वीकार करता हूँ। आई डोंट नो और आमी ओनार हय सागरटा स्वीकार करलाम। नो श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज की ओर से भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज तरफ थेकेओ आमी आपनादेर स्वागतटा स्वीकार करलाम। निताई गौर परमानंदे। वे व्यस्त है, मायापुर उत्सव में व्यस्त होने के कारण वे नहीं आ सके, तो उनकी ओर से मैं आप सबका स्वागत स्वीकार करता हूँ। आ रहे शायद तो श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज मायापुरे जो अनुष्ठान चलছে সেটা নিয়ে তিনি ব্যস্ত। আমরা আশা করছি তিনি বিকেল অবধি এখানে চলে আসবেন। তো ওনার আসার আগে আমি চলে এসেছি, তো আপনারা যে স্বাগত করেছেন ওনার হয় আমি আপনাদের স্বাগতটা স্বীকার করলাম। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। হরি হরি বল। वैसे पंकजांग्री प्रभु की जय। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वे भी यहाँ जननिवास प्रभु की पंकजांग्री प्रभु की भी जय। तो एखाने आमादेर माझखाने इस्कन मायापुरेर जे प्रधान पुजारी हेड पुजारी श्री श्रीमद जननिवास प्रभु उनी ओनार आसार कथा छिलो, तिनी आसते पारेननी। ओनार हय आर हिज ग्रेस पंकजांग्री प्रभु ओनार हय आमी सागरटा स्वीकार करलाम। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वैसे तो आप स्वागत श्रील प्रभुपाद का कर रहे हो। श्रील प्रभुपाद देखिए। तो असले हमरा सबाई मिले अपनारा सबाई श्रील प्रभुपाद के स्वागत जानिए। असले एटा श्रील प्रभुपादेर प्रकृत स्वागत। और आप स्वागत कर रहे हो गौरांग महाप्रभु का। गौरांगा 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 गौरांगा। तो असले हमरा सबाई अपनारा सबाई स्वागत जानी छन काके श्री चैतन्य महाप्रभु के, गौरांग महाप्रभु के। हरि बोल। गौरांग न होते तो की होते, और गौरांग महाप्रभु नहीं प्रकट होते तो क्या होता? आज का ये अनुष्ठान भी संपन्न नहीं होता। यदि महाप्रभु ना आसतें ताले आज के हमारे अनुष्ठान सम्पन्न होतो ना। वैसे आप मायापुर धाम का भी स्वागत कर रहे हो। असल है अपनारा मायापुर धाम क्यों स्वागत जानिए गौर भगवानंद हरि हरि वो हरि हरि कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप भगवत गीता का भी स्वागत कर रहे हो, भगवत गीता यथारूप का भी स्वागत कर रहे हो। तो असल है अपनारा भगवत गीता जता जता क्यों अभिनंदन जाना गौर प्रेमानंद हरि हरि। और स्पेशली आप हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का स्वागत कर रहे हो, ऐसा मैं समझता हूँ। तो महाराज मने करछेन अपनारा सवाई मिले हरे कृष्ण महामंत्र के अभिनंदन जाना हरि वो। गौरांग कहिए गौरांग गौरांग नित्यानंद नित्यानंद। संभावना है, संभावना इज अ पॉसिबिलिटी। 1985 में इन 1985 पता नहीं मैं मेदिनीपुर या एक काली नगर आया था कि नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में तो मैं जरूर आया था। एरकम एक संभावना रही है जे 1985 साले गुरु महाराज ये मेदिनीपुर भूमिते आविष्ट होए। ऐसे गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य 500 बछर पहले हुआ था। तो इन 1986 में हम लोग चैतन्य महाप्रभु की 500th एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी मना रहे थे। श्री गौरांग महाप्रभु आज थे के 500 बछर आगे जखन ये बंगभूमिते अवतरण करेछिलेन सेई 500तम वर्षगांठ आमरा 1986 साले अनुष्ठान आमरा करेछिलाम। सेई समय आमरा एखाने एसेछिलाम। द गवर्निंग बॉडी कमीशन ऑफ इस्कॉन ने निर्णय लिया कि हमको चैतन्य महाप्रभु का 500th एनिवर्सरी कैसे मनाना चाहिए। तो सभी ने मिलके फिर जयपता का महाराज भी थे, भक्तिचार्य महाराज भी थे, मैं भी था और सभी थे ही। हमने निर्णय लिया कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के जो जो लीला स्थली है, स्पेशली दक्षिण भारत में, और चल लंबा हो गया क्या दक्षिण भारत में, उन सब स्थानों पर हम लोग जाएंगे। तो तखन जखन आमादेर इस्कॉन परिचालक मंडली जीबीसी थे के निर्णय करा हलो आमरा सबाई आलोचना करेछिलाम। श्रील जयपताका महाराज, श्रील भक्तिचारू महाराज, आमी आरो अन्यान्य समस्त भक्त सेखाने छिलेन। तो आमरा ठीक करलाम किभावे चैतन्य महाप्रभुर 500तम आविर्भाव तिथि के अनुष्ठान करा होबे। तो आमरा ठीक करलाम दक्षिण भारते श्री चैतन्य महाप्रभु जेखाने जेखाने गिएछिलेन सेई सब जायगाटी आमरा जाबो। तो हम लोग द्वारका से यात्रा या पदयात्रा प्रारंभ किए थे। द्वारका से मायापुर वाया कन्याकुमारी। तो हमरा द्वारका थेके यात्राटा पदयात्राटा शुरू करेछिलाम। द्वारका थेके मायापुरे गेलाम और माझखाने हमरा कन्याकुमारी माने दक्षिण भारत एकदम परिशेषे हमरा गिएछिलाम। से द्वारका में हम लोगों ने श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, उनके विग्रह की स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की। जयपता का महाराज और इस्कॉन के कई सारे वरिष्ठ अधिकारी और जीबीसीज एंड सन्यासीज व्हाट हैपेंड इसके लिए इसका स्वागत हो रहा है। अरे वाह हरि वो निताय गौर ब्रह्मानंद हरि हरि वो हरे कृष्ण नंद दुलाल के सुपुत्र है। इनका नाम क्या है? मदन मोहन की जय। इसका भी स्वागत है। मदन मोहन प्रभु के स्वागत जाना न हो, इनका स्वागत कीजिए, इनके स्वागत जाना अभिनंदन करून। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के साथ इनका मदन मोहन का भी स्वागत हुआ। तो महामंत्र सहकारे मदन मोहन प्रभु के हमरा सबाई अभिनंदन करना। तो हम लोग ये पदयात्रा वैसे 18 महीने चली थी, 1.5 साल के लिए पदयात्रा हो रही थी। तो प्राय 1.5 बच्चर ये पदयात्रा चले। हम लोग इंडिया के या साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया के 8 राज्यों में पदयात्रा संपन्न हुई। से ही समय हमरा दक्षिण भारत और मध्य भारत प्राय 8 राज्य थे पदयात्रा बार कर और 8,000 किलोमीटर की ये पदयात्रा हुई। प्राय 8,000 किलोमीटर पाए हेटे गुरु महाराज और अन्य समस्त भक्तरा पदयात्रा करे। निताई गौर प्रेमानंदे एखनकार दिने 8 किलोमीटर हाँटा कठिन, किंतु गुरु महाराज 8,000 किलोमीटर यात्रा करेछिलेन। तो वैसे श्रील प्रभुपाद का आदेश था हम लोगों के लिए या मेरे लिए कहो। श्रील प्रभुपाद आमाके आदेश करेछिलेन, हमारे सबाई के करेछिलेन, आमाके विशेष करे करेछिलेन। या श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी कैसे सच हो सकती है। श्रील प्रभुपाद भावछिलेन कि भावे चैतन्य महाप्रभुर भविष्यवाणीटा सत्य करा हवे। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते अचजत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार होगा पृथ्वी के हर नगर में हर ग्राम में। चैतन्य महाप्रभु बोले छिलेन पृथ्वीर प्रत्येक ग्रामे प्रत्येक नगरे अमर नामेर प्रचार होवे। तो श्रील प्रभुपाद ने मुझे आदेश दिया कहो। श्रील प्रभुपाद आमाके आदेश करेछिलेन। राधाष्टमी के दिनटा छिलो राधाष्टमी न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली। प्रभुपाद कहे तुम जारे रखो त्यारे कहो हरे कृष्ण उपदेश करो। तुम जिनको मिलोगे उनको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे का उपदेश करो। तो श्रील प्रभुपाद आमाके बोलेछिलेन जाके देखबेन ताके हरे कृष्ण महामंत्र उपदेश करबेन। और इसके लिए स्वयं जाओ, हर गांव में जाओ, हर नगर में जाओ। और प्रभुपाद बोलेछिलेन प्रत्येक ग्रामे ग्रामे जाओ, प्रत्येक नगरे जाओ और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सच करके दिखाओ। और चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी के सत्य करे दिखा। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि वो। तो उस भविष्यवाणी को सच करके दिखाने के उद्देश्य से भी ये पद यात्रा प्रारंभ हुई। और हम लोग इस पद यात्रा में कुछ 200 डिवोटीज थे। এই ভবিষ্যৎবাণী কে সত্য করবার জন্য আমরা এই পদযাত্রাটা শুরু করলাম। আর যখন আমরা শুরু করেছিলাম এই পদযাত্রাতে প্রায় 200 জন ভক্ত অংশগ্রহণ করতেন। আর अलग अलग 20 कंट्रीज 20 देशों के भक्त उसमें थे। আর প্রায় 20-25 দেশের ভক্তরা সেখানে অংশগ্রহণ করতেন। আর हमारे पास बैलगाड़ी को क्या कहते हैं, बैलगाड़ी गोरू गाड़ी আছে। चिलो चिलो हमारे गोरू गाड़ी चिलो। और उस गोरू गाड़ी में वैसे 3 गोरू गाड़ी थी। उसमें से एक गाड़ी में श्री श्री निताई गौर सुंदर की स्थापना हमने की हुई थी और आगे श्रील प्रभुपाद भी विराजमान थे। ऐसे 3टा गोरू गाड़ी थे। सर्वप्रथम छिलेन श्रील प्रभुपाद, तारपरे थाकतें श्री श्री निताई गौर सुंदर। हमारे पास कई सारी लॉरीज भी थी। आप जो पंडाल ऐसा देख रहे हो ना, ऐसा पंडाल हम लोग साथ में लेके चलते थे। तो स्टेज साथ में लेके चलते, साउंड सिस्टम साथ में रहती थी। এই যে এখানে এত বড় পান্ডাল আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে আমরা বসে আছি শান্তিতে, এত বড় সাউন্ড সিস্টেম যেটা দেখছি, এই সমস্ত নিয়ে গুটিয়ে এক সঙ্গে নিয়ে গুরু মহারাজ প্রচারে যেতেন। এক হাতি भी था, একটা হাতিও ছিল। था नहीं थी, वैसे हाथी नहीं थी। लक्ष्मी उसका नाम था। लक्ष्मी तार नाम छिलो लक्ष्मी। जय लक्ष्मी देवी की। और एक ऊंट गाड़ी भी थी, उसका नाम था श्याम नाम का ऊंट भी साथ में गाड़ी भी चल रही थी। और एक ऊंट छिलो, ऊंट गाड़ी दिए चलतो, तार नाम छिलो श्याम। जय श्याम प्रभु की। वैसे बाद में एक कुत्ता भी ज्वाइन कर लिया, परिवर्तित एक कुकुर संगे चलतो। उसका नाम था भक्तदास। से कुकुरटी नाम छिलो भक्तदास। जय भक्तदास प्रभु की। तो इस प्रकार बहुत बड़ा सेटअप था, लगा सर्कस। सारा हम लोग लेके जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव से। একটা সার্কাসের মতো আমাদের একটি গ্রাম থেকে আরেকটি গ্রামে আমরা যাত্রা করতাম। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा कर रहे थे 500 वर्ष पूर्व मध्य लीला के में वर्णन है, वैसा ही हम अनुभव करते थे। जितने लोग निताय गौर सुंदर के दर्शन के लिए आते थे कुछ पूछो नहीं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स लाखों लोग। श्री चैतन्य चरितामृत श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीलाते वर्णना रयेछे কিভাবে যখন श्री चैतन्य महाप्रभु आज থেকে 500 বছর আগে যখন তিনি এইভাবে হাঁটতেন তো ওনাকে দর্শন করবার জন্য লাখ লাখ লোকেরা আসতো। আমরা যখন এইভাবে যাত্রা বার করতাম তখন লাখ লাখ লোকেরা এসে নিতাই গৌর সুন্দরের আশ্রীল প্রভুপাদের দর্শন করতেন। तो उस समय बहुत बड़े स्वागत, every day we had reception, grand receptions। সে তখনকার দিনে প্রত্যেক দিন প্রতিদিন খুব এরকম বড় বড় স্বাগত আমাদের করা হতো। হরি হরি। तो यात्रा करते 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 हम लोग फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, then गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा से होता आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम होते होते हम लोग जगन्नाथ पुरी और फिर आगे मायापुर धाम के जय मायापुर धाम पहुँचे। तो हमारा यही भाव है पूरा दक्षिण भारत प्राय महाराष्ट्र थे के शुरू करे गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा और परिचय से हमारा आस्ताम जगन्नाथ पुरी धाम सेकंड के आस्ताम मायापुर धाम। तो चैतन्य चरितामृत में जो लीला का वर्णन है उसी को शायद रिपीट उसका रिपीटेशन हुआ जब हम लोग पदयात्रा कर रहे थे। तो আমরা যখন পদযাত্রা করছিলাম তখন চৈতন্য চরিতামৃতে যে বর্ণনা রয়েছে প্রায় আমরা সেটাই সেখানে জীবন্ত জীবন্ত রূপে দেখতে পারতাম। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। उस समय तो इस्कॉन के या प्रभुपाद के ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हुआ करते थे। সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদের বেশি অনুযায়ী ছিলেন না। तो उस समय जो पदयात्रा के माध्यम से जो बीजारोपण हुआ, प्लांटिंग द सीड हुआ, उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि आज इतनी संख्या में आप या एकत्रित हुए हो। তখনকার দিনে আমরা যে বীজ রোপণ করেছিলাম পদযাত্রার মাধ্যমে সে পদযাত্রার মাধ্যমে যে বীজ রোপণ করা হলো তার প্রস্ফুটিত ফল আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। লাখ লাখ সংখ্যায় লোকেরা এখানে সমবেত হয়েছে নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। হরি হরি। তাপ সবাই আপ সব হরে কৃষ্ণ। সবাইকে প্রার্থনা করব এখন দৌড়াদৌড়ি করবেন না, প্রসাদ সকলের জন্য আছে, আপনারা বসুন। গুরু মহারাজ যে বক্তব্যটা দিচ্ছেন যে কথা বলছেন সেটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রসাদ সারা জীবনে পাবো, এখানে প্রসাদের কোনো অভাব নেই, সকলের জন্য প্রসাদ রয়েছে। আপনারা বসুন, আগে গুরু মহারাজ কি বলছেন সে কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই কথাকে গুরুত্ব না দিলে শুধু প্রসাদ খেয়ে চলে গেলে কিন্তু লাভান্বিত হবেন না। আপনারা যদি প্রকৃতপক্ষে লাভান্বিত হতে চান তো শান্তিতে বসুন, গুরু মহারাজ কিছু খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন সেটা শুনুন, হৃদয়ঙ্গম করুন, তারপরে সকলের জন্য প্রসাদ রয়েছে। একটু শান্তিতে বসুন। शांति से नहीं बैठना, कुछ सोचना भी। शुद्ध शांति तो बसबें ना, कुछ चिंताओं करबें। और हिल डुल भी सकते हो जब कीर्तन होगा। और जब कीर्तन होगा तब एक नड़ा चोड़ा करते पारे। तो मजा था नहीं कहूँगा इस। अमी बेसी बोलवो ना गुरु महाराज बोलते हैं। आपको अच्छा लगेगा ये बात सुन के। मैं आप और प्रसाद के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। अमी आपना रा प्रसाद माछखाने आस्ते चाहिए ना। तो आनंद का विषय है कि आप इस हरे कृष्ण आंदोलन को से जुड़ रहे हो। এটা খুব সুখের সংবাদ যে আপনারা এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। ये आंदोलन में से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का है। ये आंदोलन प्रकृतपक्षे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन। और ये भी कहना पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का है, गौर गौर नित्यानंद का है। असल एटा गौर निताय आंदोलन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दुजनरी। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो। तो गौरांग और नित्यानंद प्रभु ये संकीर्तन आंदोलन के पिताश्री फाउंडिंग फादर्स इस आंदोलन के रहे। गौरांग महाप्रभु और श्रीमद नित्यानंद प्रभु यही संकीर्तन आंदोलन प्रतिष्ठाता तारा ये संकीर्तन आंदोलन शुरू करें। और ये दोनों स्वयं भगवान गौरांग गौरांग एरा दूजन किंतु भगवान नंद नंदन जय सची सुत होइलो सई। जो नंद नंदन वृंदावन में श्री कृष्ण वही मायापुर नवद्वीप में सची सुत के रूप में प्रकट हुए। सची सुत सची नंदन बने, नंद नंदन बन गए सची नंदन। नंद नंदन कृष्ण जिनी छिलेन नंदेर पुत्र तिनी मायापुरे से सची नंदन हो गेलेन। से सची नंदन गौरहरि आर नंदनंदन कृष्ण एरा दूजन एक ही व्यक्ति एरा किंतु आलादा नय। बलराम होइल निताय और बलराम बन जाते हैं नित्यानंद प्रभु। आर बलराम की रूपे एलेन नित्यानंद प्रभु। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय सदुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। इस संसार में जो धर्म की ग्लानि होती, धर्म की हानि होती है, रास होता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। जखन जखन ये पृथ्वी ते धर्मेर ह्रास है, धर्मेर ग्लानि है, तखन से समय भगवान स्वयं यही जगते धराधामे अवतरित होन। धर्म के स्थान पर अधर्म ही ज़्यादा दिखता है, स्पेशली कलियुग के प्रारंभ में। कलिजुगेर प्रथम संध्याय धर्मेर जायगा अधर्म के बेशी दर्शन करा जाए। अधर्मेर जायगा बेशी अधर्म ही देखते पारी। ये एक कलियुग है या कली का साम्राज्य फैल रहा है। एटा होच्छे कलिजुग। कलिजुगेर साम्राज्य किंतु बाढ़ छे। तो राजा परीक्षित ने कली को 4 स्थान दिए। राजा परीक्षित महाराज कलिजुग के 4टी स्थान प्रदान करेछिलेन। चार स्थान द्यूतम पानम सुनी स्त्रिया। क्या द्यूत क्रीड़ा खेलते हैं, गैम्बलिंग होता है, वहां तुम रह सकते हो। तिनी प्रथम बोललेन जेखाने जुआ ताश पाशा खेला है सेखाने तुम अवस्थान करते पारो। और पानम जा मद्यपान। और मद्यपान माने जखने मद खावा है वहाँ तुम हे कली रहो, सेखाने कली तुम ही थकते पारो। द्यूतम पानम सोनी स्त्री जहाँ क्या होता है मांसाहार अभक्ष्य भक्षण जहाँ होता है वहाँ तुम रहो। जेखाने अखाद्य कुखाद्य आमिषाहार सेखाने तुम्हें थकते पारो कली के परीक्षित महाराज बोलें। और जहाँ अवैध स्त्री पुरुष संग होता है वहाँ तुम रहो। और जेखाने स्त्री पुरुष देर अवैध मेला मेशा है सेखाने तुम्हें थकते पारो। तो 5000 वर्ष पूर्व तो ऐसा कोई ऐसे स्थान थे भी नहीं। आज से के 5000 वर्ष आगे ये रकम स्थान छिले ना। या वैसे जिस दिन कृष्ण अपने स्वधाम लौटे उस दिन से कली ने इस जगत में प्रवेश किया। जय दिन भगवान कृष्ण स्वधामे चले गए से दिन कली यही जगते प्रविष्ट हन। क्षाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः। क्षाम त्यक्त्वा इस पृथ्वी को त्याग कर स्वपदम अपने धाम में गोलोक में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जय जब लौटे तद दीनाथ कलिरायाता। उसी दिन से कली का प्रवेश हुआ। जय दिन कृष्ण यही धाम यही जगह छेड़े निज धाम सिय धामे चले गेलेन सेई दिने कलिजुग एखाने प्रविष्ट हन। तो शुरुआत में तो स्थान नहीं मिल रहे थे, उसने ढूंढ के निकाल ही लिए। शुरूते कोनो स्थान खुजे पाए नहीं किंतु परिशेषे एक स्थान खुजे पेये। और फिर धीरे 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 इस कली ने अपना जंजाल या जाल या नेटवर्क सारे संसार भर में फैलाया। तार पर आस्ते आस्ते कलिजुग सारा संसार के जय करे फेले छे। तुम वहाँ रहो यत्र अधर्मा चतुर्विधा या 4 प्रकार के अधार्मिक कृत्य होते हैं वहाँ तुम रहो हे कली। ऐसा राजा परीक्षित कहे थे। परीक्षित महाराज बोले छिलेन हे कली तुम्हें ओखाने अवस्थान करबे जेखाने 4टी अधर्म काज देखा जाए। तो ये 4 अधर्म है। ये 4टी होच्छे अधर्म। ये 4 महापाप है। ये 4टी होच्छे महापाप। मांस भक्षण, नशापान, परस्त्री पुरुष गमन, स्त्री पुरुष गमन और जुआ। आमिष आहार, मद, नेशा, अवैध मेलामेशा और जुआपान। ऐसे धर्म के चार स्तंभ है, खंबे है धर्म के, जिसके आधार पर सारा धर्म टिका हुआ है ऊपर। धर्मेर चार्टी स्तंभ जाके केंद्र करे धर्मटा आछे। लेकिन जो अधर्म है उस धर्म के जो स्तंभ है उसको कमजोर करते हैं या उसको तोड़ देते हैं, उसका विनाश करते हैं। अधर्म की करे ये धर्मेर चार्टी स्तंभ के खंडन करे दे, तार विनाश करे, धर्म के शेष करे दे। मांस भक्षण करने से इसमें मछली भी है। आमिष आहार कराते जाते होच्छे माछ, माछ, मांस, डीम, जत रकमेर समस्त रयेछे सब होच्छे आमिष आहार। जलेर फल, हाँ जलेर फल। अब पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान के हिसाब से हम जलेर फल, मछली तो जलेर फल अच्छे। अनेकेरा बोले भगवान गीता ते बोले छेन पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो अनेकेरा बोले जलेर फल, माछ न की जलेर फल। भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहे, लेकिन मटनम, चिकनम, फिशम ऐसा तो नहीं कहे भगवान। किंतु मटनम, चिकनम, फिशम, अंडम ये सब किंतु बोले नहीं, डीमम ये सब किंतु बोले नहीं। तो मांस भक्षण करने से जो क्या है, दया है। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। अहिंसा परमो धर्मः। तो ये दया धर्म का नाश होता है या दया धर्म का खंबा स्तंभ कमजोर होता है। आमिषाहार कर ले दया शेष है, तो यदि क्यों आमिषाहार करे तो धर्मेर एक स्तम्भ जार नाम होच्छे दया, सेटा किन्तु कमजोरी हो जाए, सेटा किन्तु नष्ट हो जाए। नशा पान करने से जो तपस्या है, तपस्या नाम का धर्म है, उसका विनाश होता है। धर्मस्य ग्लानि, उसका ह्रास या हानि होती है। और नशा कर ले की है तपस्या शेष हो जाए। और अवैध स्त्री पुरुष संग से वैसे पवित्रता का नाश होता है। और अवैध मेलामेशा करले की है तखन हमारे पवित्रता शेष हो जाए, पावित्र्य द प्यूरिटी का नाश होता है, पवित्रता शेष हो जाए। और जुआ खेलने से, गैम्बलिंग से क्या होता है, सत्य का नाश होता है। और जुआ ताश पैसा कोल्ले खेला कोल्ले की है तखन सत्य शेष हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जो भागवत महाभागवत रहे और वे सारे संसार भर में भागवत धर्म का स्थापना करने का आदेश उनको मिला था। श्रील प्रभुपाद जिन्हें होच्छेन एक जन महाभागवत, तिनी सारा पृथ्वी ते पूरी दुनिया यही भागवत धर्म प्रचार का आदेश प्राप्त होन। मतलब ये धर्म संस्थापनार्थाय तुम धर्म की पुनः स्थापना करो हे अभय बाबू। अभय बाबू तुम्हें गए सारा पृथ्वी ते धर्म पुनः स्थापना करो, ये आदेशटा श्रील प्रभुपाद पेयेछिलेन। या श्रील प्रभुपाद का पहले का नाम अभय बाबू था। श्रील प्रभुपाद का आगे नाम छिलो अभय बाबू। जैसे बंगाली बाबू होते, बंगाल के बाबू होते हैं, बंगाली बाबूर मतो। तो 1922 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय, उन्होंने अभय बाबू को आदेश दिया, तुम बुद्धिमान लगते हो, तुम पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी भाषा में भागवत धर्म का प्रचार करो। 1922 साले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के आदेश करेछिलेन जे तुम जाओ और विदेशे ते इंग्रेजी भाषाएं हमारे सनातन धर्म में प्रचार करो। तो भागवत धर्म का प्रचार करना है तो श्रील प्रभुपाद ने, और कलियुग का धर्म तो नाम संकीर्तन है, कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन आर नहीं धर्म, कली काले धर्म नाम संकीर्तन आर नहीं धर्म। तो यही कलिकाले प्रचार करार जन्य श्रील प्रभुपाद नाम संकीर्तन यकृते ध्याय तो विष्णु द्वापारे परिचर्यायाम और बीच में रह गया कलवतधरी कीर्तना। तो सत्ययुग में ध्यान होता है, सत्ययुग में ध्यान ये धर्म होता है, ध्यान करना धर्म होता है। कृते च ध्यायते विष्णु माने सत्ययुगे ध्यान करा एटा छिलो जुग धर्म। और फिर सत्य त्रेतायाम यजतो मगेत त्रेतायुग में यज्ञ होते स्वाहा 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 बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। त्रेता युगे बड़ो बड़ो यज्ञ अनुष्ठित करा होतो स्वाहा स्वाहा। वही धर्म होता है सत्ययुग त्रेता युग में। और द्वातो जब राम प्रकट थे जखन भगवान रामचंद्र एखाने छिलेन। और बाद में आता है तीसरा युग है द्वापर द्वापारे परिचर्यायाम भगवान की आराधना विग्रह आराधना बड़े विशाल मंदिरों का निर्माण और भगवान को 56 भोग लगाना है श्रृंगार है इत्यादि इत्यादि ये द्वापर युग में होता था। तारपरे द्वापर युगे विधिटा छिलो भगवानेर परिचर्या करा माने बड़ो विग्रह स्थापन करा बड़ो बड़ो मंदिर निर्माण करा भगवान के ठाकुर के 56 भोग लगानो यही समस्त भावे भगवानेर आराधना करा होतो। फिर आ गया चौथा युग ये कलयुग। और कलौ तद हरि कीर्तनात् कलयुग में होगा हरि कीर्तन होगा। तारपरे से चतुर्थ युग कलौ तद हरि कीर्तनात् कलयुगे भगवानेर नाम कीर्तन करा होवे। इसीलिए शास्त्रों में कहा हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव मतलब कलौ मतलब कलयुग में न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्तेव गतिरन्य था और कोई उपाय नहीं है और कोई मार्ग नहीं है और कोई धर्म नहीं है एक ही धर्म कौन सा हरेर नामैव केवलम। से जन्नो कलियुगे बोला है हरेर नामैव केवलम आर कोनो गति नहीं आर कोनो गति नहीं आर कोनो गति नहीं एकमात्र भगवाने नाम छाड़ा आर कोनो गति नहीं। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण है प्रकट हुए 500 कितने 500 एंड हाउ मेनी ईयर्स 32 सो 532 ईयर्स अगो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रकट हुए। आज तक 532 वर्ष आगे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु रूपे आविर्भूत हुए छिलेन। गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रोषम दो तमोनुदो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो। वैसे दो भगवान प्रकट हुए गौरांग और नित्यानंद प्रभु। असले एकटा नय दुटी भगवान प्रकटित हुए छिलेन चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। गौड़ोदय गौड़ देश में प्रकट हुए। गौड़ोदय माने गौड़ देश यही जगह ते प्रकट हुए छिलेन। यही जिस देश में आपका जन्म हुआ जेखाने अपनारा सबाई जन्म ग्रहण करेछेन निताई गौर प्रेमानंदे। आप कितने भाग्यवान हो अपनारा अपनारा कत भाग्यवान भाग्यवती भाग्यवान भाग्यवती। नाइस। और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने श्री राधार भावे ये बे गोरा अवतार हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ऐसे राधा भाव में प्रकट हुए। राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। भगवान ने गौरांग महाप्रभु ने राधा का भाव और राधा की कांति राधा का रंग को अपनाया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा रानीर अंग कांति आर तार मनोभाव निये स्वयं श्री कृष्ण यही धराधा में अवतरित हुए छिलेन। और ऐसे गौरांग महाप्रभु ने फिर हरिनाम प्रचार हेतु उन्होंने संन्यास लिया है निमाय संन्यास। अरे भावे चैतन्य महाप्रभु तारपरे हरिनाम प्रचार करवार जन्नो संन्यास आश्रम अवलंबन करेछिलेन निमाई संन्यास। चैतन्य महाप्रभु केवल 24 साल के थे। चैतन्य महाप्रभु वयस छिलो मात्र 24 बछर। आप में से कोई है 24 साल के? आपनादेर मध्ये 24 बछर के एकटू हाथ तुलुन देखी 24 बछर वयस कार कार आछे गुरुमास देखते चाइछेन। आप डर रहे हो আপনারা কি ভয় পাচ্ছেন? কার বছর কার বয়স 24 বছর হয়ে গেছে একটু হাত তুলুন দেখি। গুরুমাস দেখতে চাইছেন একজন মাত্র 24 বছর বয়স। পিছনে আছে কয়েকজন 5-6 জন হাত তুলেছে, এখানে কয়েকজন মাতাজি হাত তুলেছে। আপনার বয়স 24 বছর? চব্বিশ বছর আপনাদের বয়স? 24 বছর বেশি নয়, 24 বছর এখন বয়স কাদের 24 বছর সেটা হাত তুলুন। কয়েকজন আছে। सर डर रहे क्योंकि मैं पूछने वाला हूं कि आप तैयार हो सन्यास के लिए। अपनारा मन है भय पाच्छेन नाकि आमी आपनाके जिज्ञासा करब अपनारा सन्यासेर जोन्नो प्रस्तुति निन 24 बछर बयस होयेछे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया और फिर 6 साल चैतन्य महाप्रभु हेटे हेटे सारे भारत भूमि का, दक्षिण भारत में, फिर ईस्ट इंडिया दैट इज़ बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में, और फिर अंततो गत्वा वे वृंदावन तक गए बिहार होते हुए चैतन्य महाप्रभु सन्यास आश्रम अवलम्बन करे दक्षिण भारत, पूर्व भारत, विशेषकर बांग्लादेश एरकम अनेक जगह तिनी घुरे घुरे प्रचार करेछिलेन। प्रचार उन्होंने मनुष्यों के लिए तो प्रचार किया ही, पशुओं के लिए भी प्रचार किया उन्होंने जंगल में। तिनी एकमात्र मानुषेर जन्य नय पशु पाखीदेरकेও प्रचार করেছিলেন। पशु पाखी झुरे पाषाण बिदरे सुनि जर गुण गाथा। वो गौरांग महाप्रभु का जो गुण गाथा है कोई सुनेगा तो झुरने लगेगा। तो महाप्रभुर चरित्र के यदि वर्णना श्रवण करे तो सेओ झुड़े जाबे, सेओ कान्ना करबे। तो इन पक्षियों ने और पंछियों ने जब हरे कृष्ण महामंत्र सुना तो वे भी पशु और पक्षी हरे कृष्ण कहने लगे। पशु पाखीरा जखन महाप्रभुर मुख थेके हरिनाम श्रवण करलेन सबाई एक संगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करते लागलेन। आपनारा तो मानुष, जोरे करुन। हरे राम 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 हरे हरे। वैसे चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड जंगल से जा रहे थे तो कुछ शेर, अभी मॉर्निंग समय प्रातःकाल का समय था, कुछ शेर सोए हुए थे। They were just sleeping. चैतन्य महाप्रभु जखन झारखंडेर वन दिए हाटछिलेन तखन सेखाने शेर, सिंह, बाघ घुमाछिलेन। महाप्रभु ने कहा, ए उठो जीव जागो। महाप्रभु बोलें उठो जीव जागो उठो, बाघ के बोलें। तो बाघ ने देखा, आ तुम कौन हो? बाघ एरम कर ताकलो, ए तुम्ही के? लेकिन वैसे वो छलांग मार के बाघ भी उठ जाते थे और वे भी कीर्तन करते थे। किंतु संगे संगे बाघेराओ लाफ मेरे संगे संगे उद्दंड नृत्य करते शुरू करते। आज जैसे मेदिनीपुर या कालीनगर के हजारों भक्त कीर्तन करते करते यहाँ पंडाल में आ गए तो वहाँ तो इससे भी अधिक भीड़, अधिक संख्या में पशु पक्षी का नगर संकीर्तन या वन में कीर्तन हुआ। तो आज के जेमन हजार हजार लोकेरा एखाने कीर्तन करते करते पंडाले चले एसेन, तखनकार दिने सब पशु पाखीरा मिले नगर संकीर्तन वन कीर्तन करते करते महाप्रभु पीछे हटते शुरू करते हैं। अरे अरे, जमीन पर थे पशु और आकाश में थे पक्षी। माटीते छिलो पशुरा और आकाशे छिलो पाखीरा। उन सब के मध्य में गौरांग महाप्रभु थे और माझखाने छिलेन गौरांग महाप्रभु। गौरांग 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 गौरांग। महाप्रभु ने ये भी देखा कुछ हाथी पानी पी रहे थे, जलपान कर रहे थे हाथी। महाप्रभु देखलेन कयेकटा हाथी जल खाच्छिलेन, जलपान करछिलेन। महाप्रभु ने कुछ जल छिड़काया उनके ऊपर। महाप्रभु एकटू जल छिटालेन और फिर कहे हरि बोल, बोलेन हरि बोल। तो हाथियों ने अपने आगे के हाथ ऊपर किए और वे भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो समस्त हाथीरा सामने दुटो पा तुले बोलते शुरू करलेन हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दुटो हाथ तुले बोलून हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पर महाप्रभु ने देखा कि एक, वैसे कई सारे होंगे लगे, एक हिरण और एक बाघ साथ में चल रहे थे। महाप्रभु देख लेना एक हरिण और एक बाघ एक संगे हाँटछे, एक दूसरे के कंधे को कंधा लगाते हुए, they are rubbing the shoulders with each other, एकदम गाग घोसे घोसे तिनी हाँटछे, दूजा नहीं हाँटछे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वो दोनों एक दूसरों का आलिंगन दे रहे थे। मैं तो आलिंगन दे, तुम नहीं दे रहे हो आलिंगन। और महाप्रभु ने ये भी देखा कि वो तो नहीं दिखा सकते, एक दूसरों का चुंबन कर रहे थे, किसिंग ईच अदर। और तारा परस्पर की कोचिलन चुंबन कोचिलन सेटा आरे खाने देखाना जावे ना। ये जब देखा दृश्य तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे वृंदावन धाम के जय, वृंदावन धाम के जय। वहाँ वृंदावन के भाव प्रकट हुए। सेखाने वृंदावन समस्त भाव सेखाने प्रकटित हुए छे। वैसे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, जगन्नाथपुरी से वृंदावन की यात्रा कर रहे थे, उनको वृंदावन जाना रास्ते में थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी थे के वृंदावन जाच्छिलेन, तीन रास्ते छिलेन, लेकिन आधे रास्ते में झारखंड जंगल में उन्होंने अनुभव किया कि यही तो है वृंदावन, यही तो है वृंदावन। किंतु माझ रास्ता है झारखंड वने तीन अनुभव करते पारलेन जे एटाई होच्छे वृंदावन, एटाई होच्छे वृंदावन। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, एक दूसरों से प्रेम कर रहे हैं। जेखाने कारो कारो प्रति अन्य कारो प्रति कोनो मनमालिन्य नहीं, सबाई सबाई के भालोबासे, यही रकम जाएगा। यही तो है वृंदावन, एटाई होच्छे वृंदावन। तो वे तो पशु थे, वे एक दूसरों को आलिंगन दे रहे थे। और तो सवाई पशु एक अपर के परस्पर के आलिंगन को छिलेन। और सब मिलके वे कीर्तन और नृत्य भी कर रहे थे। सवाई मिले नित्य कीर्तन को छिलेन। सारा ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य सारा छोड़ के सब काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य जब परित्याग करे कीर्तन में तल्लीन थे वे। तारा कीर्तन एकदम मेते गए छे। तो वो दृश्य देखे चैतन्य महाप्रभु ने कहा वृंदावन 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 धाम के जय। छे दृश्य अवलोकन कर ले चैतन्य करे, चैतन्य महाप्रभु बोलेन एटा होच्छे वृंदावन, एटाई होच्छे वृंदावन, वृंदावन धाम की। ऐसा ऐसा भाव, ऐसा प्रेम एक दूसरों के प्रति, ए रकम भाव, ए रकम मनोभाव, ए रकम भालोबासा इस काली नगर में, यही काली नगरे, नगरे ग्रामे क्षेत्रे, नगरे गामे क्षेत्रे। ऐसा अगर हम भगवान को दिखा सकते हैं, ऐसा ऐसा प्रदर्शन, ऐसा भाव प्रेम एक दूसरों के प्रति यदि हमरा भगवान के আমরা দেখাতে পারি যে আমাদের নিজেদের মধ্যে কত বেশি ভালোবাসা রয়েছে, কত গাঢ় প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে। ये देख के फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहने लगे ये काली नगर तो वृंदावन धाम के, ये तो वृंदावन है, ये काली नगर नहीं रहा, ये तो वृंदावन है। एटा देखे चैतन्य महाप्रभु बोलबेन एटा आर काली नगर नहीं, एटा हो गेछे वृंदावन धाम। उलु ध्वनि जोरे जोरे जोरे। धन्य ताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो वैसे हम सबको इस जीवन के, इस लाइफ के अंत में भगवत धाम जाना है, वृंदावन में प्रवेश करना है। আমরা সবাই এই জীবনের শেষে ভগবত ধামে যেতে চাই, যদি প্রবেশ করতে চাই। आप जाना चाहते हो? आप में से कोई वृंदावन जाना चाहता है? के वृंदावन যেতে চায়, के ভগবত ধাম যেতে চায়? দুটো হাত তুলুন, বলুন হরি বল। तो उसके लिए अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। तार जन्नो किंतु अभ्यास करते होगे ताकि हम लोग तैयार होंगे। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। जाते हमरा प्रस्तुति নিতে পারি, ভালো করে প্রস্তুতি নিতে হবে। কান দিয়ে শুনবেন, অন্যমনস্ক হবেন না। এখন तो यहाँ इस क्षेत्र में इस्कॉन द्वारा प्रचार का कार्य हो रहा है। तो यही क्षेत्रे अखोन इस्कॉन के माध्यमे प्रचारेर कार्य शुरू हुए छे। या मंदिर की स्थापना या प्रचार की स्थापना क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो खाने अनेक किचु होच्छे, मंदिर स्थापन करा होच्छे, प्रचार शुरू हुए छे। नंददुलाल कृष्णा, नंददुलाल कृष्णा, जय नंददुलाल कृष्ण प्रभु की। इनके भी हम आभारी है। हमरा प्रभु के अभिनंदन जाना निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि वो। भगवान इनसे प्रसन्न है, भगवान इनके प्रति खूब प्रसन्न। आप सब योगदान दो, अपना सबाई योगदान दीन प्रभु के साथ करून। ऐसे ये तो ऐसे एक लीडर हमारे भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के, His Holiness भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की। अब भक्ति चार्य महाराज वे स्वयं ही भगवत धाम लौटे। हम हमारा दुर्दैव है, हमको यही छोड़ के वे आगे बढ़े। हमारे खूब दुर्भाग्य विषय श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी महाराज हमारे के छेड़े दिए, भगवत धाम एका एका चले गए थे। तो वो उनका जो कार्य है, जो श्रील प्रभुपाद का ही कार्य था, उनार जो काज सेटा श्रील प्रभुपादेरी काज उनारी दायित्व, उस कार्य को आगे बढ़ाना हमारा उत्तरदायित्व है। हमारा शे दायित्व वहन करा एटा हमारे सकलेर उत्तरदायित्व। कारा कारा मन करें हमारे सकलेर उत्तरदायित्व। दुटो हाथ तुलन बोलो निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि वो। तो भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, तो भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, नंददुलाल प्रभु, नंददुलाल कृष्ण प्रभु, गोविंदानंद प्रभु, गोविंदानंद प्रभु संन्यास लेने जा रहे हैं। जय जय गौर ब्रह्मानंद हरि हरि वो। You want to give an introduction? और कौन कौन है? भागवत कीर्तन प्रभु, नामट्र जिला प्रचारक। जय हिज ग्रेस भागवत कीर्तन प्रभु की। इनके साथ अपना योगदान दो एवरीबॉडी। इन बंगाल एवरीबॉडी हैज बीन टू मैन। यही तो भाग्यवान, इसलिए मैंने भाग्यवान, आप भाग्यवान हो कहा। अपना होच्छेन खूब भाग्यवान भाग्यवती के नाम अपना मायपुर धाम दर्शन करेछेन। और राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, उनको तो मायापुर का नाम भी नहीं सुना। अन्य राज्य महाराष्ट्र, गुजरात इनारा मायापुर के नामों श्रवण करें नहीं। हम जब उनको कहते कि हम मायापुर जा रहे हैं तो कहते आप सन्यासी और अब मायापुरी जा रहे, मायापुर जा रहे। हमरा जखन कहू के बोली हमरा मायापुरे जाच्छी तो ओनारा खूब आश्चर्य करें, महाराज अपनी सन्यासी अपनी मायापुरी जाच्छेन केनो? माया की पूरी, ओटा तो अच्छे मायापुरी। तो वे नहीं जानते, नाम भी नहीं सुना उन्होंने मायापुर का। उन्हारा जाने ना, उन्हारा क्यों मायापुर नामों श्रवण करेंगे। न तो गौरांग महाप्रभु को संसार जानता था, आर गौरांग महाप्रभु क्यों संसार लोग ना चिंतो ना। महामंत्र से भी परिचित नहीं थे, क्यों हरे कृष्ण महामंत्रो जानतो ना। किंतु ये सब गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आचार्यों के अथक प्रयासों से, प्रार्थना से ये सब संसार समझ रहा है। गौरांग महाप्रभु की जय। किंतु गौरांग महाप्रभु ये आदेश समस्त आचार्यरा खूब कष्ट करे पालन करेछेन, अवलम्बन करेछेन। तादेर कष्टे तादेर परिश्रम फलेर प्रभावे आज के सारा संसार महाप्रभुर आदेश के, महाप्रभुर इच्छा के जानते पेरेछे। और उन आचार्यों के नाम में लंबी लिस्ट या सूची है। श्रील प्रभुपाद का नाम प्रधान नाम है। शेष समस्त आचार्यर मध्य अन्नतम होच्छेन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद की। उन्होंने मायापुर को, गौरांग महाप्रभु को, चैतन्य चरितामृत को जग प्रसिद्ध किया। तिनी मायापुर के, गौरांग महाप्रभु के, चैतन्य चरितामृत के सारा दुनिया में प्रचार करे छिलेन। हरी हरी। हम सब ऋणी है श्रील प्रभुपाद के। हमरा सबाई श्रील प्रभुपाद के काछे ऋणी। आप भी समझते हो, आप भी थोड़े ऋणी हो प्रभुपाद के। আপনারা কি বুঝতে পারছেন আপনারা সবাই শ্রীল প্রভুপাদের কাছে ঋণী। যারা যারা মনে করেন ঋণী দূর হাত তুলুন, বলুন শ্রীল প্রভুপাদ কি। इस ऋण से थोड़ा मुक्त होने का प्रयास भी तो हमको करना चाहिए। कारा कारा ऋण थे के मुक्त होते चान, कारा कारा प्रयास करते चान। तो एक समय श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद कार्य कहो या सेवा कहो, ये आदेश श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हम सब को दिया हुआ है। प्रचार कार्य बोलून, सेवा बोलून, ये आदेश श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमारे सबाई के दिए छेन। और वो आदेश है अमार आज्ञा गुरु हैया तारे देश, जारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। या तो इस मनुष्य जीवन में आप क्या करो, आप जिनको मिलते हो, जिनको भी आप मिलते हो, उन सबको हरे कृष्ण उपदेश करो। तो अपनारा जार संगे देखा करबेन सबाई के हरे कृष्ण उपदेश करबेन। ये मेरा आदेश है, एटा होच्छे आमार आदेश। तो इस आदेश का पालन करना भी हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। तो ये आदेश की पालन करा एटा होच्छे आमादेर उत्तरदायित्व, आमादेर सकलेर उत्तरदायित्व। तो आप सब गुरु बनो, अपनारा सबाई गुरु हो जान। हरि वाह, हरि वाह। कोई कहेगा हम कैसे गुरु बन सकते हैं, क्यों बोलते पारे, अरे आमी की करे गुरु होते पारी। गुरुओं से सुनो और उनको सुनाओ। गुरु काछ थेके श्रवण करुन और एक जन के सुनान। या दीक्षा गुरु नहीं हो सकते तो शिक्षा गुरु तो हो ही सकते हैं। दीक्षा गुरु यदि वो अपनारा ना होते पारे, शिक्षा गुरु तो होते ही पारबे। तो आप सब शिक्षा गुरु बनो, तो अपना सबाई शिक्षा गुरु हो जान। संसार बड़ी समस्याओं से गुजर रहा है, दुनिया अनेक समस्या सम्मुखीन सबाई। तो सोल्यूशन तो उपाय तो ये कृष्ण भावना ही है, कृष्ण कॉन्शियसनेस ही है। उपाय होच्छे कृष्ण भावना, ये कृष्ण भावना छाड़ा अन्य कोनो उपाय नहीं। या बेसिकली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कीर्तन करून और फिर प्रभुपाद कहा करते नाचो गाओ खाओ। प्रभुपाद बोलते हैं नाचो गाओ खाओ। ये सब मधुर है, कोई भी कर सकता है। जे क्यों करते बारे नाचो गाओ और थोड़ा बैठ के कुछ कथा करो, श्रवण करो। नाचो गाओ तारपरे बसे एकटू कथा श्रवण करून, বই পড়ুন। শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ বই পড়ুন, সেখানে আমাদের পিছনে দোকান আছে, বই পড়ুন। और वही का वितरण करो और ग्रंथ वितरण करूं। चारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, मतलब क्या, भगवत गीता का उपदेश कृष्ण उपदेश है। ये भगवत गीता वाणी होच्छे कृष्णेर उपदेश। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद आप सभी की उपस्थिति के लिए। आपनादेर सकले एखाने आसार जोन्नो अनेक धन्यवाद। उलुधरी जय श्री श्रीमान लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि वो। तो पुनः संध्या समय देखा हबे। हरे कृष्ण। आबार संध्या समय गुरु महाराज खाने आबार आसबेन एखाने आबार सवार गुरु महाराज संगे देखा हबे। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि वो। हरे कृष्ण। एखाने शेष नय, এখন আপনাদের জন্য সবার জন্য প্রসাদ আছে। प्रसाद पे अपनारा आज के एकादशी दिन जप कर। आज के दिन अर्धेक प्रोग्राम एखे हलो, इरपर 5टार समय कटाय श्री सेवा जयपाता स्वामी गुरु महाराज आसबें। हरि बोल प्रेमानंद। आज 3 घंटा समय आछे, एकटू रेस्ट ना, प्रसाद पाओ और माला जप करें, घरे जाबेन ना, ठीक है। এবার আপনারা অনেকে জানেন রাস্তা পর্যন্ত শ্রী শ্রীমৎ জগন্নাথ গুরু মহারাজ के नाम जन আমরা সবাই ব্রিজ পার হয়ে পেট্রোল পাম্পে যাব। কে কে যেতে চায় হাত উঠান। आप যাদের গাড়ি বাইক আছে সে বাইক নিয়ে চলে যাবেন। ঠিক আছে ভগবত কীর্তন গুরু আরেকটা অ্যানাউন্স করুন। হরে কৃষ্ণ।